हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम एक न्यू कहानी सुनने जा रहे हैं जिसका नाम है मूर्ख मित्र। किसी राजा के राजमहल में एक बंदर सेवक के रूप में रहता था। वह राजा का बहुत विश्वासपात्र और भक्त था। अंतापुर में भी वह बेरोकटोक जा सकता था। एक दिन जब राजा सो रहा था और बंदर पंखा झल रहा था तो बंदर ने देखा एक मक्खी बार बार राजा की छाती पर बैठ जाती थी। पंखे से बार बार हटाने पर भी वह मानती नहीं थी, उड़कर फिर वहीं बैठी जाती थी। बंदर को क्रोध आ गया। उसने पंखा छोड़कर हाथ में तलवार ले ली और इस बार जब मक्खी राजा की छाती पर बैठी तो उसने पूरे बल से मक्खी पर तलवार का हाथ छोड़ दिया। मक्खी तो उड़ गई किंतु राजा की छाती तलवार की चोट से दो टुकड़े हो गई। राजा मर गया। मोरल ऑफ द स्टोरी, इसीलिए मूर्ख मित्र की अपेक्षा विद्वान शत्रु को अच्छा ज्यादा अच्छा होता है। ऐसे ही मजेदार वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।